ये पार्ट फोर है. पार्ट फोर गिवन दैट सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. तो हमने रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, अदर रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, हमने सारे फॉर्मूले को हमने देखा और उसको ड्रॉ किया. नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग होंगे. बेसिक क्वेश्चंस और इसके ऑल टाइप्स करेंगे और हम सारे क्वेश्चंस को ये टू और थ्री वीडियोज में इसमें डालेंगे और आपसे पूरा एक्सरसाइज जो 8.1 है वो कंप्लीटली सॉल्व होगा. ओनली इस एग्जांपल्स को अच्छे से आप वाच करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इसको. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट में एनसीईआरटी एग्जांपल्स का, जो एग्जांपल एनसीईआरटी बुक के उसी का क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग देखना है. फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, गिवन दैट टेन ए इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए. एंगल ए के लिए अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यू नो दैट यू हैव 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ओनली गिवन ओनली वन टेन ए इक्वल टू 4/3, देन अदर 5 रेशियोज दैट यू हैव टू फाइंड. इसमें फाइंड करना है, फर्स्ट हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ने लिया. हमने लिया ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री. फर्स्टली इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल जो गिवन है इसमें एंगल ए के अदर रेशियो, अदरवाइज यदि कह देता एंगल सी तो हम ये जानेंगे अंदर एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा. फोर एंगल ए की बात करें, फोर एंगल ए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये क्या होगा, पी इक्वल टू हो जाएंगे बीसी. ये एंगल ए के लिए बीसी इसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. एंड ए बी क्या होगा, फोर एंगल ए बेस इक्वल टू क्या होंगे, ए बी हो जाएगा. ये हमेशा इस तरह के आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि इसमें बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा. और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ऑलवेज बी रिमेंस इन नो, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. ये हाइपोटेनस ऑलवेज सेम होता है, चाहे वो कोई भी कोई भी परपेंडिकुलर हो, चाहे कोई भी बेस हो, हाइपोटेनस विल बी सेम. तो इसमें हाइपोटेनस देख रहे हैं एसी है, तो इसमें फोर, नेक्स्ट देखेंगे फोर एंगल सी. यदि फोर एंगल सी की बात करें, इस एंगल के लिए, सी के लिए, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा. तो एंगल सी के जो सामने है, फेस टू फेस एंगल सी के सामने हम देख रहे हैं क्या है, ए बी, दैट इज द परपेंडिकुलर. दैट मीन्स परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी हो जाएगा. तो एंगल फिर बी सी, बेस क्या होंगे, ये हो गए बी सी जो इस पर है. तो इस तरह हमें आइडेंटिटी, हमें परपेंडिकुलर एंड बेस एंड हाइपोटेनस आप किसी भी एंगल के लिए फाइंड आउट करने बोले तो हम कर सकते हैं. नेक्स्ट अब क्वेश्चन के देखते हैं, क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन गिवन है टेन ए इक्वल टू 4/3, टेन ए इक्वल टू 4/3. टेन ए के लिए, टेन ए यहां है, ए ये थीटा एंगल आपका क्या है, यहां है टेन ए. अब टेन ए होता क्या है, टेन ए हमने पढ़ा पी बाय बी, पी बाय बी मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस. तो टेन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, दैट इज बी सी, एंड बेस क्या होगा टेन ए के लिए, ए बी. तो बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू 4/3, दैट मीन्स बी सी हो गए, दैट मीन्स बी सी हो गए 4 एंड ए बी हो गया, एंड ए बी इक्वल टू 3, बी सी 4 एंड ए बी 3. अब यू हैव टू फाइंड ए सी, ए सी को फाइंड आउट करना है. तो ए सी के लिए हम यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो गिवन ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. तो बाय हाइपोट, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं क्या, ए सी इक्वल टू, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट. इसको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट कर सकते हैं. तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो वैल्यू गिवन है उसके वैल्यू को हम पुट करेंगे. ए सी इक्वल टू, ए सी गिवन है, ए सी तो लाना ही है, बी सी गिवन है 4 स्क्वायर प्लस ए बी गिवन है 3 एंड 3 स्क्वायर.
अंडर रूट। तो इसमें देखेंगे 16 प्लस 9 दैट विल बी 25 अंडर रूट करेंगे एंड 25 के रूट हो जाएंगे दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो एसी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एसी आ गया इसके 5 सेंटीमीटर। यदि गिवन हो तो चलेगा, नहीं तो जो भी हो 5 यूनिट्स ले सकते हैं, 5 यूनिट लिखेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे सेंटीमीटर है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको यूनिट लिख सकते हैं। 5 यूनिट एसी आ गया। अब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर एंड बेस सारे फाइंड आउट हो चुके हैं, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना है। तो 10 आ चुका है, तो 10 के उल्टा होता है क्या, कॉट। सेकेंड नंबर में अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो कॉट ए आएगा जस्ट टेन ए के अपोजिट, 1/10 ए। 1/10 ए मीन्स हो जाएगा 1/4/3 और ये 3 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स 3/4। ये फर्स्ट आंसर आ गया कॉट ए। नेक्स्ट देखना है नंबर 3, साइन ए। साइन ए इक्वल टू हमने पढ़ा है, साइन ए इक्वल टू पी बाय एच। पी बाय एच मीन्स ए के लिए पी क्या होंगे, बी सी, बी सी बाय ए सी। तो बी सी क्या गिवन है, बी सी 4 एंड ए सी 5, तो 4/5। नेक्स्ट नंबर 3 देखेंगे। अब साइन ए का उल्टा होता है क्या, कॉसेक, कॉसेक ए। तो लिखना नहीं है, जस्ट ए सी बाय बी सी हो जाएगा उल्टा, इनवर्स ए सी बाय बी सी। ए सी बाय बी सी मीन्स 5/4। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 आते हैं, 2, 3, 4 सॉरी, ये तो 4 हो जाएगा, ये आएंगे 5। कॉस ए आ गया, अब लेंगे कॉस, कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू हमने देखा बी बाय एच, बी मीन्स साइन ए के लिए बी, ए बी, ए बी बाय, ए बी बाय ए सी। ए बी बाय ए सी मीन्स ए बी दैट इज ए बी गिवेन है 3 एंड ए सी गिवेन है 5, 3/5। नेक्स्ट नंबर 6 रेशियो दैट सेक ए, सेक ए इक्वल टू इनवर्स ऑफ, मीन्स इनवर्स ऑफ कॉस ए, कॉस ए, तो इसका जस्ट उल्टा, ए सी बाय ए बी, ए सी अपॉन ए बी मीन्स 5/3। दैट इज द ऑल योर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बने, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। तो फर्स्टली जो कार है क्वेश्चन, हम उसके अकॉर्डिंग यहां पर हम सॉल्यूशन करने से पहले जो फिगर गिवन है उस फिगर को ड्रॉ करते हैं, मींस एबीसी राइट एंगल एट सी। एबीसी ट्रायंगल बनाते हैं, हमने एबीसी ट्रायंगल लिया, राइट एंगल एट सी, सी को राइट एंगल बनाना है, सी दे रहे ए एंड बी, ए बी सी, ए बी, इसको आप ए ले सकते हैं ए, और ये सपोज ये बी आ गया, ए बी सी राइट एंगल एट सी इन विच ये आ गया, ये राइट एंगल सी आ गया, इन विच ए बी इक्वल टू, ए बी क्या गिवन है, ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू 29 यूनिट एंड बी सी, बी सी इक्वल टू 21 यूनिट गिवन है इसमें। एंड एंगल ए बी सी, ए बी सी इसको ले लिया है थीटा, दैट एंगल विल बी थीटा, ये थीटा दिया हुआ है, तो ये थीटा गिवन है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू लाने हैं। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें क्वेश्चन को देखें, अब हम समझेंगे क्या फाइंड आउट करना है। तो ये कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन गिवन है जिसके अकॉर्डिंग जो ट्रिगोनोमेट्रिक अदर रेशियो जो हमने फाइंड आउट किए उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करना है। फर्स्टली देखें थीटा एंगल के लिए,
तो थीटा एंगल के लिए थीटा एंगल ले रहे हैं बी, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो जाएंगे ए बी ए सी, एंड बेस क्या होगा बी सी हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो ए बी है। तो फर्स्टली इसमें गिवन है ए बी 29 हाइपोटेनस गिवन है, एंड बी सी 20, बी सी क्या है 21 यूनिट्स गिवन है। तो हमें देख रहे हैं कॉस और साइन, तो इसमें क्या हमें थर्ड परपेंडिकुलर क्या चाहिए, क्या परपेंडिकुलर भी चाहिए बेस भी चाहिए, तो परपेंडिकुलर है नहीं, परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना होगा। दैट मीन्स ए सी इक्वल टू इन राइट एंगल ट्रायंगल हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे यहां पर। तो यहां से यूज करने के लिए क्या लाएंगे ए सी परपेंडिकुलर पी लाना है आपको, ए सी इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएंगे ए बी स्क्वायर माइनस क्या करना होगा बी सी स्क्वायर। तो देखेंगे तो 29 गिवन है ए बी, 29 होल स्क्वायर माइनस बी सी 21 होल स्क्वायर, तो यहां से आ गया 29 होल स्क्वायर, 29 होल स्क्वायर आ जाएगा आपका, 29 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा आपका 930 का होता है, 29 का होगा 29 कर लेते हैं, देखिए क्या होगा 841 माइनस एंड 21 का होल स्क्वायर 441 रूट आ गया, ये होगा 841 माइनस 481 दैट विल बी 400 कंप्लीटली 400 आएंगे, दैट मींस कंप्लीटली 400 मींस AC इक्वल टू यहां से लिखेंगे फाइंड आउट करेंगे यहां से AC इक्वल टू ये रूट 400 आएंगे 20 मल्टीप्लाई 20, दैट मींस AC आ गए 20 यूनिट। अब आपको हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर ऑल रेशियोज फाइंड आउट हो चुके हैं, तो इसके लिए अब देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। फर्स्टली क्वेश्चन है फर्स्ट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा जो गिवन क्या है, कॉस थीटा होता क्या आपका, कॉस थीटा बी बाय एच, बी बाय एच मीन्स बी सी बाय ए बी BC अपॉन AB होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच मीन्स AC अपॉन AB क्या करेंगे AC अपॉन AB होल स्क्वायर। अब वैल्यू को पुट करना है तो BC आपका क्या आया, BC 21, AB क्या आया, AB देख रहे हैं AB गिवन है 29 होल स्क्वायर प्लस AC गिवन क्या है, देखें AC फाइंड आउट है 20 AB 29 बाय 29 होल स्क्वायर, कंप्लीटली इसको सॉल्व करेंगे 441 बाय 841 प्लस 400 बाय 841 ये भी आ गए, इसको अब सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शंस एडिशन करेंगे, एलसीएम आएगा 841 बाय 441 प्लस 400 दैट मींस 841 बाय 841 और ये कट के आ गया आंसर 1। और इसको आंसर को चेक कर लेते हैं क्या आंसर इसका 1 है, तो फर्स्टली इसके आंसर को नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट होता फर्स्ट आगे आंसर 1, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 गिवन है कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू अगेन बी बाय एच होता है, बी मीन्स बीसी बाय ए बी होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा, जो हमने फर्स्ट जो जैसे लाया साइन स्क्वायर पी बाय एच, पी बाय एच मीन्स ए सी बाय ए बी होल स्क्वायर। इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो बीसी बाय ए बी होल स्क्वायर, बीसी अगेन 21/29 होल स्क्वायर माइनस एसी आएगा, एसी गिवन है क्या 20, यहां से देखें ऊपर में 20 लाए 20/29 होल स्क्वायर, 441/841 माइनस 20 होल स्क्वायर 400/29 होल स्क्वायर 841। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 841, नेक्स्ट 841 मींस 441 माइनस 400 दैट विल बी 41/841 और ये फाइनली आ गया 41/841। इस तरह से हमने एग्जांपल 3 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।